إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة الرعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة حضرین گرامی خواتین ملت آج کے اس درس میں ہم معلوم کریں گے کہ زندگی کو خوشگوار پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں زندگی میں سکون کیسے ملے قلب کا دل کا سرور کیسے حاصل ہو اہل علم نے لکھا ہے بیان کیا ہے ذکر کیا ہے کہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا مرض سب سے بڑی بیماری وہ ہے بے قراری بے اطمینانی ٹینشن ڈپریشن کی بیماری دنیا میں بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں اللہ حفاظت فرمائے کینسر ہے دل کا کوئی مریض ہوتا ہے کسی کے گردے فیل ہیں تو یہ بیماریاں تو بہت بڑی بڑی ہیں مگر ان بیماریوں میں کوئی مبتلا ہے تو اللہ نے بہت ساروں کو عافیت بھی دی ہے بہت سارے لوگ ان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہے لیکن یہ جو ٹینشن ہے ڈپریشن ہے اس بیماری میں سارے کے سارے مبتلا ہے دنیا کے جسمانی بڑی بڑی بیماریوں میں کوئی مبتلا ہے تو نہیں ہے لیکن اس بیماری میں سب کے سب مبتلا ہے اسی لئے اہل علم نے لکھا ہے بیان کیا ذکر کیا کہ یہ ٹینشن ڈپریشن بے قراری اور بے اطمینانی یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا مرض ہے
यह मर्जुद दहर है, क्योंकि क्या बड़ा है क्या छोटा, क्या जवान है क्या बूढ़ा, क्या मर्द हो क्या औरत, अमीर हो या गरीब, जाहिल हो या लिखा पढ़ा, हर एक को टेंशन और डिप्रेशन है आज, सबको परेशानी है। तो आइए कुरान और हदीस की रोशनी में मालूम करते हैं कि टेंशन और डिप्रेशन को दूर करने का तरीका क्या है, हल क्या है, और जिंदगी में सुकून और सुरूर कैसे मिल सके। क्योंकि जिंदगी में सुकून मिल जाए यह बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी में सुकून और सुरूर दौलत के अंबार और भरमार हो जाए, बहुत रुपया पैसा आ जाए तो सुकून मिल जाए। कोई ये सोचता है कि मुझे एक बहुत जबरदस्त नौकरी ड्यूटी मिल जाए, अच्छा खासा उसमें पगार हो तो जिंदगी पुरसुकून हो जाए। कोई ये सोचता है कि मैं बिजनेस और कारोबार में सेटल हो जाऊं, करोड़ों के कमा लूं तो जिंदगी पुरसुकून हो जाए। कोई ये सोचता है कि मैं ऊंचे ओहदेदार बन जाऊं तो मेरी जिंदगी पुरसुकून हो जाए। कोई ये सोचता है कि तफरी करने जाओ तो डिप्रेशन और टेंशन दूर हो जाए। कोई ये सोचता है कि चलो मूवी देखकर आते हैं तो मेरा ये टेंशन दूर हो जाएगा। कोई ये सोचता है कि मैं स्मोकिंग कर लूं, बीड़ी सिगरेट पी लूं तो मेरा ये टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाए। कोई ये सोचता है कि शराब पी ले तो इससे मेरी बीमारी ये टेंशन की दूर हो जाएगी। शायर की जबानी, जू जू दवा किए मर्ज बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा किए, ये सारे दवा नहीं है ये और बीमारी है। इन चीजों में आपको सुकून मिलने वाला नहीं है कि दौलत के अंबार और भरमार हो जाए तो सुकून मिले, बड़े ओहदे और मनसब में पहुंच जाए तो सुकून मिल जाए, कारोबार और तिजारत में सेटल हो जाए तो सुकून मिल जाए। नहीं, तफरी करने जाए, स्मोकिंग करने, शराब पी ले, इन हराम चीजों में सुकून और सुरूर नहीं है, बल्कि और ज्यादा टेंशन इसमें बढ़ता है। सुकून की जिंदगी किसकी है, मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूं। शायर कहता है, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। एक मजदूर दिन भर मेहनत किया और थक गया, थका मांदा हारा, आके सोया, बेहतरीन सुकून की नींद उसको आई, नींद करके वो फ्रेश होके उठा, एकदम पुरसुकून है वो। ना किसी को एक पैसा देना है, ना किसी से लेना है, कुछ भी नहीं, चलो फिर मजदूरी के लिए जाऊंगा, फिर मिलेगा, दिन भर का गुजारा हो जाएगा, जिंदगी उसके पुरसुकून चल रही है। और एक बहुत माल है, दौलत है, अंबार है, भरमार है, कारोबार और तिजारत में टेंशन है, लोन लिया, किसी को देना है, किसी से लेना है, वसूल करना है। अब इन ख्यालात में आया, एसी बंगले में नरम गरम बिस्तर पे बेहतरीन तरीके से जाके सोया, नींद उसको नहीं आ रही है, परेशानी है, उसको देना, उससे लेना, ये है वो है, इधर उधर हर तरह की परेशानी, डिप्रेशन टेंशन उसके दिमाग में है। रात में नींद नहीं आ रही है, गोली खाया, नींद नहीं आ रही है, और एक गोली खाया, फिर भी नींद नहीं आ रही है। बताओ पुरसुकून जिंदगी किसकी है, इसकी या सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। हाजरीन, शरी एतबार से पुरसुकून जिंदगी कैसे मिल सकती है, आइए हम मालूम करते हैं। सबसे पहली बात, पुरसुकून जिंदगी हासिल करने के लिए, अभी मैंने आपके सामने सूरतुर्राद
की आयत नंबर 28 पढ़ी है। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया अल्लदीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। वो लोग जो ईमान लेकर आए उनके दिलों को इत्मीनान और सुकून नसीब होता है। लोगों गौर से सुनना, अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान है, अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून और सुरूर है। इसमें दो बुनियादी बातें बताई गई हैं इत्मीनान कल्ब के लिए, दिल के सुकून और सुरूर के लिए। पहली चीज ईमान, अल्लदीना आमनु, और दूसरी चीज अल्लाह का जिक्र, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान नसीब होने वाला है। पहली चीज है ईमान, ईमान के बाद अल्लाह का जिक्र, इसी में दिलों को इत्मीनान है, दिलों को सुकून और सुरूर मिलता है। आइए इन दो चीजों को हम तफसील से मालूम करते हैं। पहली चीज ईमान, ईमान की वजह से दिलों को सुकून और सुरूर मिलता है, दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। क्यों? इसलिए कि ईमान है अमन से। ईमान का रूट वर्ड है अमन, सुकून, चैन। कैसे ईमान में अमन है, सुकून है, चैन है, आइए मैं आपको समझाता हूं। हजरीन, अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम की आयत नंबर 82 में फरमाया अल्लदीना आमनु वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइक लहुमुल अमन वहुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लेकर आए, ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाए, खालिस ईमान जिनके पास है, शिर्क नहीं किए। अल्लदीना आमनु, वो लोग जो ईमान लेकर आए, वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और जुल्म के साथ अपने ईमान को नहीं मिलाए, ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाए, उलाइक लहुमुल अमन, ऐसे लोगों के लिए अमन है, सुकून है, चैन है। किन के लिए अमन, सुकून और चैन है? वो लोग जो ईमान लेकर आए और ईमान के साथ जुल्म को यानी शिर्क को नहीं मिलाए। सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। कायनात में सबसे बड़ा अदल और इंसाफ तौहीद, सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क। तो ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाए, उलाइक लहुमुल अमन, ऐसे लोगों के लिए अमन है, सुकून है, चैन है। कैसे इनके लिए अमन है, सुकून है, चैन है, आइए हम मालूम करते हैं। हज़रीन गिरामी, ईमान निकला है अमन से। ईमान जब इंसान लाता है, अल्लाह पर ईमान रखता है, रसूलों पर ईमान रखता है, फरिश्तों पर ईमान रखता है, किताबों पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान होता है, तकदीर की अच्छी और बुरी चीजों पर ईमान होता है। उसकी जिंदगी में तकलीफ आए, वो सोचता है मेरे रब ने लिखा है। उसकी जिंदगी में खुशी आए, वो शुक्र अदा करता, अल्लाह तेरा शुक्र है। तकलीफ और परेशानी आती है, सब्र करता, कहता अल्लाह तूने जो कुछ दिया है मुझे मंजूर है। और यही मोमिन की जिंदगी का असल सरमाया है, शुक्र और सब्र, शुक्र और सब्र। अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा है, नेमतें दी हैं, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र किया करो और तकलीफों पे सब्र किया करो। और उसके लिए हमें और आपको एक काम करना है। याद रखिए मेरे भाइयों, रमजान के आखिरी अय्याम में, आखिरी पहरों में हम हैं, आखिरी अशरे की बहुत मुबारक सातों में, घड़ियों में हम लोग हैं। अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह के सामने अपनी हाजत को, अपनी जरूरत को याद कर करके रखें कि मेरी जरूरत क्या है, मेरी हाजत क्या है, ये मेरी जरूरत है, ये मेरी हाजत है। याद कर करके रखें।
एक एक जरूरत को याद कर करके अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह मेरी ये जरूरत है, अल्लाह मेरी ये जरूरत है, फाइंड आउट करके एक एक जरूरत अल्लाह के सामने रखो। इसमें क्या होगा, अल्लाह के सामने आजिजी इनकिसारी आएगी, खुशू और खुजू आएगा, अल्लाह के सामने रोने गिड़गिड़ाने का तरीका आएगा, अल्लाह ताला के लिए आप शुक्रगुजारी करने वाले बनोगे, अल्लाह के लिए आप सब्र करने वाले बनोगे। और इसी तरह से अल्लाह की एक एक नेमत को याद कर करके अल्लाह की शुक्रगुजारी करो, अल्लाह तूने मुझे ये दिया, मैं कहा लेकिन तूने मुझे ये दिया, ये किया मैं गुनेगार, फिर भी तूने मेरी ये हिफाजत की है, मुझे ये दिया है, वो दिया, जिंदा रखा। अल्लाह की नेमतों को याद करते जाओ, याद करते जाओ, खत्म नहीं कर सकते हो। अल्लाह की नेमतों को याद करोगे, शुक्रगुजारी आएगी। और इसके लिए अल्लाह तबरक ताला ने फरमाया कि देखो वइन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, शुमार कर करके गिन गिन के खत्म नहीं कर सकते हो। अल्लाह ताला की नेमतें अनगिनत बेशुमार है, इंसान खुद अपने जिस्म में देख ले अल्लाह ने कितनी नेमतें दी है। जिस्म का एक पुर्जा अगर बिगड़ जाए, खराब हो जाए, उसको सही करने के लिए लाखों करोड़ों खर्चा करते, फिर भी वो अल्लाह ने जैसे दिया वैसे नेचुरल चीज आपके पास नहीं आती है। अल्लाह अकबर। सर से पैर तक देखें आप कि कितनी नेमतें हैं, कितनी दौलत है, अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें मालामाल किया है। आप देखें, गौर करें, सोचें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह तूने मुझे आंख दी है, कितने लोग अंधे हैं। अल्लाह तूने मुझे सही सलामत जिस्म दिया, कितने लोग बीमार हैं। अल्लाह तूने मुझे बेहतरीन जिगर दिया, दिल दिया, कितने लोग दिल के अमराज में मुबतला है। तूने मुझे बेहतरीन गुर्दा दिया, अल्लाह कितने लोग गुर्दे की बीमारी में मुबतला है। अल्लाह तूने मुझे बेहतरीन सर के बाल दिया, कितने लोगों के सर में बाल नहीं है। अल्लाह तूने मुझे रहने के लिए घर दिया है, कितने लोगों के पास घर नहीं है। इसीलिए वक्तन फवक्तन जाओ, जाकर गरीबों की हालतों को देखो, हॉस्पिटलों में जाकर मरीजों की हालतों को देखो, देखकर अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करो। इसीलिए नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, उंदुरु इला मन हुआ असफल मिनकुम वला तंदुरु इला मन हुआ आला मिनकुम फइन्नहु अजदरु अल्ला तजदरु नेमतल्लाह। हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो। ऊपर वाले को देखोगे अल्लाह की नाशुक्री नाकदरी करने वाले बनोगे, और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह के लिए नीचे वाले को देखो, अल्लाह की शुक्रगुजारी करने वाले बनोगे। ये सोचोगे अल्लाह तूने मुझे इससे तो अच्छा रखा है ना। अगर आपको अल्लाह ताला ने घर दिया एक सिंगल बेडरूम का ही सही, आप अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे अल्लाह उसको डबल बेडरूम है, उसको देखो तीन बेडरूम का है, उसकी इतनी बड़ी है, उतना बड़ा है उसका घर, उसकी उतत इतनी ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, यही नाशुकरा और अगर आप ये सोचें अल्लाह तूने मुझे सिंगल बेडरूम ही सही, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये देखो इसके पास तो घर ही नहीं है, किराए के घर में है, किराए के मकान में है। किराए वाला ये सोचे अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कम से कम किराए का सुकून का तीन बेडरूम का ही दिया है। कितने लोग किराए के दो बेडरूम में रहते हैं, दो बेडरूम वाला सोचे अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने लोग सिंगल बेडरूम में हैं। और ये वो सोचे कितने लोग ऐसे हैं कि वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं उनको झोपड़ी भी मयसर नहीं है, छत भी मयसर नहीं है। झोपड़ी वाला भी शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे तो झोपड़ी मयसर है, कितने लोगों को ये झोपड़ी भी मयसर नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए आप नीचे वाले को देखोगे अल्लाह की शुक्रगुजारी करने वाले बनोगे, और दिल में इत्मीनान होगा, दिल में इत्मीनान होगा, ये अमन सुकून चैन कि अल्लाह तेरे ऊपर मेरा ईमान है। और जब ईमान है अल्लाह तो किसी के साथ जुल्म नहीं करता, अल्लाह तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, अल्लाह तो हर एक के साथ इंसाफ करता है, तो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। तू
मैं जिस चीज का लायक हूं उसी के मेयार के मुताबिक तू रखा है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ईमान नहीं है तो इंसान क्या करेगा, परेशान हो जाएगा, जिंदगी से हार जाएगा, थोड़ी तकलीफ आई, परेशानी आई, टेंशन में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, खुदकुशी करने के बारे में सोचेगा, खुदकुशी कर लो शायद मसला हल हो जाए। याद रखिए मेरे भाइयों, खुदकुशी मसले का हल नहीं है, मसले का सलूशन है, हल है। क्या मर जाने से मसला हल हो जाएगा, बोले नहीं हल होगा। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आए तो किधर जाओगे। हाँ, अब सोच रहे हैं कि चलो टेंशन है, डिप्रेशन है, परेशानी है, किसी को देना है, लेना है, ये मसाइल वो मसाइल हैं, अब इसकी वजह से चलो खुदकुशी कर लेते, मसला हल हो जाएगा। आपने मसला हल नहीं किया और ज्यादा मसला बढ़ाया, मसले को बढ़ाया। आपकी वजह से आपके बाल बच्चे परेशान, आप एक की वजह से 10 लोग परेशान हैं, आपकी वजह से दूसरे बाप के पसमंदागान परेशान हैं, मसाइल और बढ़ गए, मसाइल का हल नहीं हुआ, सलूशन नहीं हुआ। और टेम्पररी तकलीफ के लिए आपने हमेशा की परमानेंट जिंदगी को बर्बाद कर लिया है। ये जिंदगी तो एक दिन खत्म होना ही है। यहां के टेंशन, यहां के डिप्रेशन, यहां की तकलीफें, यहां की बेकरारी, यहां की बेइत्मीनानी एक ना एक दिन खत्म होना है और आखिरत में सुकून मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इंसान खुदकुशी करके सोचता है मौत मसाइल का हल नहीं है, और मौत से जिंदगी खत्म नहीं होती है। मौत से जिंदगी खत्म होती है नहीं, ये बात याद रखिए, मौत से जिंदगी का खातिमा नहीं होता है, मौत से हमेशा की जिंदगी का आगाज होता है। मौत से हमेशा की जिंदगी का आगाज हुआ, अगर खुदकुशी नहीं किया तो यहां पर रहा तो तौबा इस्तगफार करेगा, बारगाह इलाही में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मेहनत करके कुछ कर लेगा, कोई रास्ता निकाल लेगा, और हो सकता कल के दिन अल्लाह सही कर दे। तकदीर को तूने देखा तो नहीं है, तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान होता तो तू परेशान नहीं होता था, हो सकता कि चंद सालों के बाद तुझे खुशी मयासर होती। लेकिन तूने सोचा नहीं, ईमान नहीं, ईमान ना होने की वजह से खुदकुशी कर लिया, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। और यहां दुनिया में चंद सालों तक तकलीफ थी, अब तो मरने के बाद हमेशा के लिए तकलीफ है। नबी ने फरमाया खुदकुशी करने वाला हमेशा जहन्नम में खालिदम मुखल्लिदम फिन्नार, जहन्नम में हमेशा रहेगा, और जिस चीज से खुदकुशी किया है उसी से बार बार अपने आप को जहन्नम में भी मारता रहेगा, जहन्नम में भी उसी से वो अपने आप को अजाब देता रहेगा। याद रखिए मेरे भाइयों, ये डिप्रेशन और टेंशन का हल नहीं है कि खुदकुशी कर ले, मौत आ जाए तो मसला हल हो जाएगा, नहीं, और मसाइल पेचीदा होते हैं हाजरीन। और जिसका ईमान अल्लाह पे होता है वो सोचता है अल्लाह मेरा रब है, मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूं, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तुझसे मेरी उम्मीद है। इसीलिए जो इंसान अल्लाह से ना उम्मीद हो गया, मायूस हो गया, वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया। मायूसी कुफर है, ना उम्मीदी कुफर है, और ईमान ये उम्मीद का नाम है। उम्मीद नहीं है तो ईमान नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमतों से मायूस होने वाला तो काफिर है। इसीलिए खुदकुशी करने वाला जहन्नम में जाएगा। क्यों? आप तो अल्लाह की रहमतों से मायूस हो गए हो, अल्लाह की रहमतों से दूर हो गए हो। अल्लाह की रहमतों की उम्मीद होती, अल्लाह ताला दुनिया में ही तुम्हारी हालतों को सही कर देता और आखिरत में इन तकलीफों की वजह से तुम्हें अजर व सवाब देता, अजर व सवाब देता। लेकिन तुमने खुदकुशी करके गलत काम कर लिया है। दुनिया में मोमिन के पैर में अगर कांटा भी चुभता है उस पर सबर करता है, उस पर उसको अजर है। अल्लाह अकबर, सिर्फ कांटा चुभने की वजह से आपको अजर मिल रहा है तो आप बताइए, मोमिन की जिंदगी में बड़ी सी बड़ी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, बड़ी बीमारियों में मुबतला हो जाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, फिर भी अगर मुबतला हो जाए तो याद रखिए, अगर उन पर सबर करें, सबर करें, सबर करने की वजह से अल्लाह ताला इतना अजर देगा, इतना अजर देगा, कल कयामत के मैदान में वो सोच भी नहीं सकता है।
सोच भी नहीं सकता है कि अल्लाह ताला उसको कितना अजर देगा। इसलिए याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह के यहां पर अजर पाने के लिए दुनिया में अल्लाह पर उम्मीद रखें, तवक्कुल रखें, भरोसा रखें, उम्मीद लगाए रखें। ईमान में अमन है, सुकून है, चैन है, और उसके ऑपोजिट शिर्क में, कुफर में बेकरारी, बेइत्मीनानी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, एक मोमिन और एक काफिर। मोमिन रास्ते से गुजर रहा है, सामने फिटकरी है या अंडा फोड़ के डाल दिया है या कोई और चीज है, उसको वो देखा है या उसको वो क्रॉस कर दिया, उंगल दिया है। अब वो क्या सोचेगा? अल्लाह तेरे ऊपर मेरा ईमान है। नबी ने कहा दिल में ख्याल आए, उल्लू बोले, कौवा बोले, बिल्ली गुजर जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, तो क्या करो? अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए के कहो के ला इला ला खैरा इल्ला खैरुक वला इलाहा गैरुक, ला इलाहा इल्लल्लाह ला खैरा इल्ला खैरुक वला इलाहा गैरुक। अल्लाह ताला तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। मुसीबतों को लाने, तकलीफों को लाने वाला, परेशानी को टालने वाला, भलाई को लाने वाला, शर को लाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। वो इत्मीनान के साथ आगे बढ़ जाता है, केयरलेस हो जाता है, दिल में कोई बेकरारी बेचैनी नहीं आती है। वही मोमिन नहीं है, ईमान नहीं है, मुशरिक है, काफिर है। अब दिल में खलिश शुरू होगी, परेशानी आएगी, वसवसा आएगा, टेंशन आएगा, क्या होता कि क्या होगा कि, अब दिल उसको मार लेगा, है ना। ये देखो ईमान में अमन कैसे है, ईमान में सुकून है, अमन है, चैन है। ईमान वाला परेशान नहीं होता है, ईमान में वो सुकून और इत्मीनान के साथ रहता है। कुछ भी हो जाए वो परेशान नहीं होता है, और जिसके पास ईमान नहीं है वो परेशानी में आता है, दिल मिला जाता है, घबराता है, और उसको एक मामूली बिल्ली भी डराती है, कौवा भी डराता है, उल्लू भी डराता है, लेमुआ फिटकरी भी उसको डरा देता है, एक छिपकली भी उसके लिए एक बहुत माना रखती है। याद रखिए मेरे भाइयों, और जो ईमान वाला होता है वो कुछ भी उससे टस से मस नहीं होता है। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे, इतने में उल्लू ने आवाज किया तो दूसरे ने कहा खैरा खैरा, यानी वो डर गए और डर के मारे में कहा खैर हो खैर हो, शायद कोई मुसीबत आने वाली है, उल्लू ने आवाज कर दिया है। इब्ने मसूद ने कहा ला खैरा वाला शर, इसके अंदर क्या खैर शर है जी, हा ला खैरा वाला शर। ये ईमान, ये ईमान, ये अकीदा, ये अल्लाह पर तवक्कुल, ये भरोसा, ये उम्मीद। याद रखी पैवस्तरा शजर से उम्मीद बहार रख। मोमिन कभी ना उम्मीद नहीं होता है, मायूस नहीं होता है, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा होता है। हालात चाहे कुछ भी हो जाए वो टस से मस नहीं होता है, जिंदगी में परेशान नहीं होता है, डिप्रेशन और टेंशन में नहीं आता है। सहाबा इकराम की जिंदगी में फकर फाका था, तकलीफ थी दूसरे एतबार से देखेंगे, लेकिन उनको कोई टेंशन की बीमारी नहीं थी, कोई डिप्रेशन में नहीं जाया करता था, दो वक्त खाना नहीं मिलता था, हो सकता घर में कई कई दिनों तक चूल्हा ना सिलगे, और निढाल भूख से निढाल होके धड़ाम से कभी गिर जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं, अचानक धड़ाम की आवाज आती है, लोगों ने देखा कि कौन है, कहा कि अबू हुरैरा है, कई दिनों से भूखे हैं, भूख से प्यास से निढाल होके फिर भी खड़े होने की ताकत और कुव्वत देखो, खड़ा होना चाह रहे, बैठना नहीं चाह रहे, बारगाह इलाही में खड़े होकर इबादत करते करते बेखुदी में बेहोशी में गिर गए। अल्लाह अकबर। ये सहाबा इकराम की जिंदगी, लेकिन कभी उनको टेंशन और डिप्रेशन नहीं आया, हा? कभी उनको दुनिया की तकलीफ उनको सताई नहीं है, और दुनिया की वजह से लोग परेशान नहीं हुए हैं, दिल में सुकून और सुरूर था। अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, लोगों ने मारा, पीटा, सताया, तड़पाया, तरसाया, संगलाक वादियों में घसीटा गया, लेटा गया, सीने पे गरम गरम पत्थरों को रखा गया है, लेकिन फिर भी देखो अहद अहद का नारा लगाते रहे, मौत के वक्त में मुस्कुरा रहे हैं। इतनी मुस्कुराहट चेहरे पे, लोगों ने पूछा कि क्या माजरा है, मौत के वक्त इतनी खुशी और मुस्कुराहट। का गदन अलका अहिब्बा, महबूबों से मिलने जा रहा हूं, वो अल्लाह वो महबूब
जिनको बगैर देखे मैंने इबादत और बंदगी की, अहद अहद का नारा लगाया, उनके तवक्कुल और भरोसा और ईमान की वजह से मुझे मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, तरसाया गया, तड़पाया गया, लेकिन अल्लाह अकबर मेरे दिल में कोई तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं आई, कभी टेंशन और डिप्रेशन नहीं। देखो मौत के वक्त में भी परेशान नहीं है, जा रहे हैं रब से मिलने के लिए और उस वक्त खुश है, खुश है। अल्लाह अकबर। इसलिए ईमान के बाद जब इंसान डट जाता है, डट जाता है, फरिश्ते नाजिल होते हैं, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून। वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह को रब तस्लीम करने के बाद पहाड़ हायल हो जाए, आंधियां आए, तूफान चले, कुछ भी हो जाए, उससे टस से मस नहीं, सुम्मस्तक़ामो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उन पर नाजिल होते हैं, फरिश्ते आकर कहते मौत के वक्त में गम ना खाओ, तकलीफ ना उठाओ, गमजदा ना हो जाओ, खौफ ना खाओ, यानी दुनिया छोड़ने का गम नहीं है, आखिरत को फेस करने का डर नहीं है, ये देखो जन्नत है, जन्नत के मनाजिर दिखाए जाते हैं। और आले इल्म ने लिखा है मौत के वक्त में फरिश्ते खूब रू चेहरे के साथ जन्नती रेशमी लिबास खुशबूदार अंदाज में लेकर आते हैं, जन्नत के मनाजिर दिखाते हैं, सलाम करते, मुसाफा करते हैं। इसीलिए बहुत सारे मरने वाले मौत के वक्त में हालत निजामे गरगरा में कभी वो हाथ उठाते, इसे हाथ उठाते हैं, आपको दिक्कत की के मुस्कुराते हैं। अल्लाह अकबर। ये फरिश्तों को देखकर मुस्कुराना है, वो अभी दुनिया से नहीं है, दुनिया को छोड़ दिया है, दुनिया छोड़ने का गम नहीं है, आखिरत को फेस करने का डर नहीं है। अल्लाह अकबर। ये इत्मीनान कब आएगा दिल में? जब ईमान हो, ईमान हो तो इत्मीनान आएगा, दिल में सुकून आएगा, परेशानी और तकलीफ नहीं आएगी। और अगर ईमान नहीं है, हर एक डराएगा, हर एक परेशान करेगा। फिरौन का दरबार है, फिरौन का दरबार, फिरौन ने मूसा अलैहि सलाम के मुकाबले के लिए जाने पहचाने माने हुए जादूगरों को बुलाया। जादूगर जब फिरौन के दरबार में आए, फिरौन का डर था, खौफ था, चापलूसी थी, फिरौन से उम्मीदें थी, अल्लाह से उम्मीद नहीं, वो काफिर थे, मुशरिक थे, अल्लाह पर ईमान नहीं, उम्मीद नहीं, तवक्कुल नहीं, भरोसा नहीं, इतनी चापलूसी। उन्होंने लाठी डालते हुए अल्लाह का नाम नहीं लिया, कहा के इज्जत फिरौन, फिरौन की इज्जत की कसम, हां फिरौन को खुश करने के लिए, और कहा कि आज हम लोग जीत जाए तो क्या मिलेगा। फिरौन ने कहा कि प्राइज की क्या बात करते हो, एक बार प्राइज दे दूं तो लेके चले जाओगे, तुम तो हमेशा के लिए प्राइज पाओगे, ये मेरे दरबारी अपने सामने बैठा लूंगा, तुमको आंखों में सजा के रखूंगा, दरबार में सजा के रखूंगा, हमेशा के लिए दरबारी बना लूंगा। हां फिरौन से उम्मीद, अल्लाह से ना उम्मीदी। वही जादूगर उसी फिरौन के दरबार में, फिरौन के सामने ही जब ईमान वाले बन गए, पता चल गया हमजाद हमजाद को पहचानता है, जादूगर को पता होता कि जादू क्या है, उन्होंने जब मूसा अलैहि सलाम की करामत को देखा, मुजजे को देखा, वो समझ गए कि ये जादू नहीं है, ये तो जादू से मावरा है, जादू से आला अरफा और निराला है, ये तो कोई अजीब और बड़ी हस्ती ही कर सकती है, समझ गए वो। फौरन उन्होंने कहा आमना बिरब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं, ईमान आ गया, कितना अमन देखो, सुकून देखो, चैन देखो। और फिरौन ने उनको डराया, धमकाया, धमकी दिया, कहा तुम्हें सबको सूली पे लटका दूंगा, कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखो पहले डर था, फिरौन की चापलूसी थी, डर था, खौफ था, जब ईमान नहीं था, ईमान आ गया, उसी फिरौन के दरबार में ठहर कर फिरौन के आंख से आंख लगाकर ये कह रहे हैं फक्जिमा अंतकाद, क्या कर लेना है कर ले। जुमला का तर्जुमा करेंगे, कुरान में अल्लाह ने कहा उन जादूगरों ने कहा फक्दिमा अंतकाद, क्या कर लेना है कर ले, इन्नमा तकदी हादी हिल हयात दुनिया, ज्यादा से ज्यादा तो इस दुनिया में हमारी जान ले लेगा, उतना ही है ना, जान ले लेगा, ये तो जान एक दिन देना ही है, हा? दुनिया से तो एक दिन जाना ही है,
दुनिया की तकलीफें, परेशानी, डिप्रेशन, तकलीफ कुछ भी आ जाए, मोमिन सोचता है ये क्या है भाई, ये टेम्पररी है, एक दिन तो सब छोड़ के जाना है, काहे इसके लिए टेंशन लेना है, काहे इसके लिए परेशान होना है। दौलत आई अल्हम्दुलिल्लाह, गई जाने तो कोई परवाह नहीं है। आप अल्लाह ताला ने दिया, जिस हालत में रखा अल्लाह का शुक्र है। ओहदा मनसब आ मिला अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तब भी अल्लाह तेरा शुक्र है। हर एतबार से अल्लाह ने आफियत दी, बहुत बड़ी दौलत अल्लाह तेरा शुक्र है। ईमान के साथ अगर बीमारी भी आ जाए अल्लाह तेरा शुक्र है। अय्यूब को भी तूने आजमाया, इमरान बिन हुसैन जिनको फरिश्ते सलाम करते थे उनको अल्लाह ताला ने आजमाया, कैसे कैसे अंबिया को और औलिया को, अतकिया को, सिद्दीकीन, शहदा और सालिहीन को, सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने आजमाया है। ये भी हमारे लिए भी आजमाइश, अल्लाह तेरा शुक्र है। जिस हालत में तू रखे अल्लाह तेरा शुक्र है। ये ईमान है मेरे भाइयों। ईमान में अमन है कि नहीं है? ईमान में सुकून है कि नहीं है? और जिसके पास ईमान नहीं है वो तिल मिलाता है, परेशान होता है। मैं आपको दूसरी एक मिसाल देता हूं, और अल्लाह ने इसको बयान किया सूरह हज आयत नंबर 30 पर एक 31 में बयान किया है, और उसको पहले मैं मिसाल देके समझाता हूं फिर आयत का तर्जुमा करता हूं तो समझ में आएगा। एक है, आदमी को औलाद नहीं, बीमार है, परेशान हाल है, और वो मोमिन नहीं है, ईमान उसके पास नहीं है, काफिर मुशरिक या तमाक का ईमान नहीं है। कोई मशवरा देता है, बेटा वहां जा तुझे औलाद मिलेगी, बीमारी से शिफा मिलेगी। वहां गया, चादर चढ़ाया, मिला नहीं। वहां जा, नजराने पेश किया, किया नहीं हुआ। वहां एक जानवर जबा कर मिल जाएगी शिफा और औलाद, नहीं मिली। वहां जाके नजराना दे दे, वहां एक ताबीज ले ले, यहां पलीते कर ले, वहां से तुगरे लटका ले, यहां इसको इतना नजराना दे दे, वहां ये कर ले, वो कर ले, यहां वहां टामुक तोया खाता है, हां टामुक तोया खाता, यहां वहां उसके कोई बेस नहीं है। वो क्या है? कटी पतंग। देखें कटी पतंग कहां जाके गिरेगी पता है? इसको बोलते टामुक तोया। हां ये टामुक तोया आपको समझा रहा हूं मैं आपको। हां हाँ, कहां जाकर गिरेगी पता ही नहीं है। ये टामक तोया खाता है और उसके कोई बेस नहीं है, सब नोच नोच के खाते हैं। हाँ पूरे जो भी है सब नोच नोच के खाते। बेटा मेरे पास आ, ये कर, इतना दे औलाद शिफा मिलेगी, नहीं वो दे ये दे, सब नोच नोच के खाएंगे, परेशान रहेगा, सुकून नहीं मिलेगा। वही एक ईमान वाला, देखो ईमान वाला है, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा है, औलाद नहीं, अल्लाह से मांगता, रो रो के, गिड़गिड़ा के दुआ करता, अल्लाह से मांगता, जायज इलाज करता, नहीं अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने कुरान में कहा अल्लाह जिसको चाहता है लड़का देता, जिसको चाहता लड़कियां देता, जिसको चाहता लड़का लड़की दोनों मिला के देता, जिसको चाहता अल्लाह तू बांज बना देता है। अल्लाह तेरे नसीब में, तेरे पास में उसी का लायक और काबिल था। अल्लाह तू जिस हालत में रखे शुक्र है। अल्लाह बीमारी दी है, अल्लाह से दुआ मांगेंगे रो रो के, गिड़गिड़ा के, अल्लाह ताला तूने दी है, अल्लाह ताला ने शिफा दी, अच्छी बात है, शिफा नहीं दी, एक एक पल जो सबर करोगे अल्लाह ताला कांटा चुभने से अजर देता है। इतनी बड़ी मुसीबत में अल्लाह ताला कल कयामत के मैदान में इतना अजर और सवाब देगा कि आफियत में रहने वाले तमन्ना करेंगे काश कि मैं भी बीमार होता और मेरे जिस्म को लव अन्ना जिस्मी कुरिदत बिल मकारीद, मेरे जिस्म को कैचियों से काट दिया गया होता, इतना बड़ा अजर मुझे आज मिल जाता। अल्लाह अकबर। याद रखिए मेरे भाइयों, यो इत्मीनान और सुकून के साथ रहेगा, परेशान नहीं होगा, औलाद मांगेगा अल्लाह से, अल्लाह नहीं दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। बीमारी तकलीफ परेशानी है, खाने पीने में तंगी है, तिजारत और कारोबार में घाटा है, वक्ती तौर पर रुपया पैसा नहीं है, अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने को तूने आजमाया है, मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा, ना उम्मीद नहीं होता, मायूस नहीं होता, हराम रास्ते पे नहीं जाऊंगा, खुदकुशी भी नहीं करूंगा, तेरे से ना उम्मीदी भी नहीं है। वो सुकून से रहेगा, इत्मीनान से रहेगा, परेशान कभी नहीं होगा, वो हलाल रास्ते पे चल के अल्लाह पर तवक्कुल करके अच्छी उम्मीद रखेगा, है ना, उसको नोच नोच के खाएगा नहीं कोई। अल्लाह ने इसी को बयान किया, वमन युशरिक बिल्ला फकअन्नमा खर्र मिन अस्समा फतख्तफुहु अत्तैर औ तहवी बिहर्री फी मकानिन सहीक। वो जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, ईमान नहीं है, अमन सुकून नहीं है, अल्लाह के साथ शिर्क करता है, गोया के उसको आसमान से गिरा दिया गया, आसमान से गिरा दिया गया है,
अब आसमान से गिरा देगा तो क्या होगा, वो टामक टोया खाएगा, तहवी बिहरी, हवा उसको लेकर पता नहीं कहां जाए, कहां गिराए, इधर हवा कहेगा उधर चल, उधर जाएगा, वहां जा वहां जाएगा, या चादर चढ़ा, वह नजराने पेश कर, यहां जबा कर, यहां कुछ दे दे, यहां तोगरे लटका ले, वह ताबीज पहन ले, इसको कुछ दे दे, या वो कर ले, ये करने परेशान रहेगा। फतख तफ तार, परिंदे नोच नोच के खाएंगे। कौन से परिंदे? वही जो गलत तरीके से दावे करने वाले हैं, हम औलाद देंगे, हम शिफा देंगे, हम फुला करेंगे, फुला करेंगे, हमारे पास आओ, मायूस मत हो, ये करो वो करो, इतने नजराने दे दो। तख्त फहु तायर, परिंदे नोच नोच के खाते हैं। समझ में आया कि किस तरह से ईमान वालों को अमन सुकून और चैन मिलता है? इसीलिए नबी ने फरमाया, जब दुनिया में तुम्हें गम सताए, परेशान परेशानी में मुबतला हो जाओ, तो दूसरा उसूल याद रखो ईमान के बाद, इत्तिबाए सुन्नत। इत्तिबाए सुन्नत में अमन है, सुकून है, चैन है। नबी ने फरमाया, मेरी सीरत को याद कर लो, मेरी सीरत को याद कर लो कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के सबसे चहीता चहीते बंदे हैं, अल्लाह के सबसे प्यारे हैं, अफजलुल बशर है और सैयदुल अंबिया है, अल्लाह ने उनको कैसे आजमाया है। अल्लाह अकबर, खुशी जिंदगी ये जिंदगी में लगी रहती है। आप बदर की जंग जीत के घर वापस आ रहे हैं और आपके घर से आपकी बेटी का जनाजा उठ रहा है। अल्लाह अकबर, याद रखो मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी देख लीजिए, बचपने से लेकर मां के पेट में है, बाप का इंतकाल हो गया, उसके बाद अभी बचपने में थे, मां का इंतकाल हो गया, दादा का सहारा उड़ गया, फिर उसके बाद चचा की किफालत में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लकब मिला, जब आपने आपको नबुवत के सरफ मनसब से सरफराज किया गया तो लोगों ने परेशान करना शुरू किया, घर वालों ने मुखालफत की है, अबू लहब ने आपकी गुस्ताखी की है, अल्लाह ने उसको अंजाम तक पहुंचाया है और सारे लोग मुखालफतों के सिलसिला शुरू हो गया, आपकी जिंदगी में इतनी तकलीफें आई, शैबी अबी तालिब में 3 साल समाजी बायकॉट में इतने पत्ते चबाए, जानवरों की तरह फुजलात निकलते थे, उसी में बीमार होकर आपकी बीवी का इंतकाल हुआ, खदीजा का रदी अल्लाह अन्हा, आपके चहीते चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे चलो ताइफ जाके किस्मत आजमाई करते हैं, ताइफ के अवबाशों ने मार मार के आप लोहो लहान कर दिया, बेहोश होके गिर गए। अल्लाह अकबर, वो नबी देखो कितने परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर आए उसके बाद मक्के वालों ने नाक में दम कर दिया, अपने घर बार और अपने अजीज को छोड़ना पड़ा, ईमान के खातिर, दीन के खातिर, अल्लाह के खातिर, शरीयत के खातिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुर्बानी देनी पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, उसके बाद देखो अल्लाह के पास एक वक्त तक आजमाइशें होती है, उसके बाद इनामात का सिलसिला शुरू हो जाता है, इनामात का सिलसिला शुरू होता है, अल्लाह तबरक ताला ऐसा करता है, इन्नमा अल उसरी युसरा, इसलिए अल्लाह की जात से कभी मायूस और ना उम्मीद नहीं होना। हाजिरीन गिरामी, ये दूसरी चीज थी जिंदगी में सुकून पाने के लिए, जिंदगी में सुकून पाने के लिए तीसरी चीज है जिक्रुल्लाह। ईमान में मैंने अल्लाह रसूल पर ईमान और उसी से मुतालिक सारी ईमानियात की बातें आ गई, अब दूसरी चीज है जिक्रुल्लाह। जिक्र क्या है? अल्लाह की याद, जिक्र के माने याद। सबसे बड़ा जिक्र कुरान, सबसे बड़ा जिक्र कुरान है, कुरान के मुसलसल तिलावत करो, कुरान को अच्छी आवाज में सुना करो। आज तो ये साइंटिफिक एतबार से भी अप्रूव्ड है कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में जिनको परेशानी है, तकलीफ है, डिप्रेशन है, कुरान की अच्छी तिलावत उनको सुनाया जाता है, कुरान की तिलावत सुनने से दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान नसीब होता है। अल्लाह अकबर, ये कुरान बेहतरीन जिक्र है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह हिजर में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून,
हमने जिक्र को नाजिल किया है तो कुरान बेहतरीन जिक्र है। फिर नबी ने फरमाया अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया करें। और दीगर सुबह शाम के अस्कार है, नमाजों के बाद के अस्कार है, इन अस्कार की पाबंदी करें। सोते जागते वक्त के अस्कार है, खाते पीते वक्त, घर में दाखिल वक्त, घर से निकलते वक्त के अस्कार किया करें। इनमें देखो शैतान के मुख्तलिफ तरह के परेशानियों से आप बच जाएंगे। नबी ने क्या फरमाया, शैतान इंसान के साथ लगा हुआ है, पैदाइश से लेकर मरते दम तक लगा हुआ है, हर वक्त आता है, खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, इबादत के वक्त, कारोबार और तिजारत के वक्त, घर से बाहर जाते वक्त, घर से अंदर जाते वक्त, बीवी से मिलते वक्त, हर वक्त शैतान आता है और डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इंसान अस्कार की पाबंदी करता है शैतान से महफूज हो जाता है, शैतान टॉयलेट में भी जाता है। नबी ने कहा कि अगर जिक्र दुआ के साथ जाता है शैतान से महफूज हो जाता है, शैतान घर में दाखिल होते वक्त शैतान जाता है, दुआ पढ़ के सलाम करके बिस्मिल्लाह के साथ दाखिल हुआ शैतान भाग जाता है, खाते वक्त बिस्मिल्लाह बोला शैतान भाग जाता है, सोते वक्त बिस्मिल्लाह, आयतुल कुर्सी और दीगर अस्कार की पाबंदी किया शैतान भाग जाता है, फरिश्ते की हिफाजत होती है, बीवी से मिलते वक्त दुआ पढ़ा शैतान भाग जाता है, वरना शैतान शामिल हो जाता है। बाजारों में शयातिन है, कहा कि हलाल रास्ते में सही बातों पर रहो, धोखा मत दो, झूठ मत बोलो, हलाल हराम रास्ते में मत जाया करो, शैतान से बच जाओ। घर से बाहर जाते वक्त नबी ने फरमाया जो ये दुआ पढ़ता है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शैतान खुद कहता है देखो ये तो इंसान कहा कि कुफीता व उकीता, तेरे लिए अल्लाह काफी हो गया, तू शर से महफूज हो गया, और अल्लाह जिसके हामी व नासिर हो जाए अल्लाह काफी हो जाए, अब शैतान आ पाएगा, आ पाएगा नहीं। इसीलिए अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र में जिस्मानी ताकत भी है, रूहानी ताकत भी है, शैतान से फाइट करने की ताकत भी है। नबी ने फरमाया घर के दरवाजा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह बोल के करो, शैतान दाखिल नहीं हो सकता, शैतान खोल नहीं सकता है। कोई अहम चीज रखते वक्त बिस्मिल्लाह बोल के रखो, आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दिया करो, शैतान उस चीज को हाथ नहीं लगा सकता है, और ना शैतान कभी क्या करता है किसी चीज को गायब करके आपस में लड़ाता है। मियां बीवी है कोई नहीं है, अहम चीज गुम हो गई है, अब मियां को बीवी पे, बीवी को मियां पे शक होता है, आपस में लड़ाता है, जबकि शैतान उसको गायब कर दिया है, होता है। इसलिए जब तक प्रूफ ना हो, कोई किसी को ब्लेम ना करे, कोई किसी पर इल्जाम ना लगाए, जब तक प्रूफ नहीं है तो उस वक्त तक याद रखिए आप खामखा के शैतान के हाथ कंटे ना बने शैतान। इसीलिए नबी ने क्या फरमाया, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, इत्तिकाफ में बैठे हुए थे, आपकी बीवी मिलने आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़ने जा रहे थे, दो सहाबा दूर से देखकर कनी काट के जा रहे थे, थोड़ा अंधेरा छाने लगा, नबी ने फरमाया अला रिसलिकुमा, रुक जाओ ठहर जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आप पर हम शक करें, आप पर बदगुमानी करें। नबी ने कहा कि देखो शैतान तुम्हारे रगो रेशे में, इंसान के रगो रेशे में खून के साथ चलता है, दौड़ता है, कहीं दिमाग में गलतफहमी बिठा सकता है, अगर आ जाए तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। इससे यह मालूम होता है गलतफहमी में मुबतला होना भी गलत है, गलतफहमी का मौका देना भी गलत है। नबी ने मौका दिया, हां उनको हो सकता गलतफहमी, तो गलतफहमी का मौका भी देना नहीं, उसको दूर करना है, और गलतफहमी में मुबतला होना भी नहीं है। शैतान रगो रेशे में चल के लड़ाता है और अच्छे भला माहौल को बर्बाद करता है, इसलिए हमें चाहिए कि शैतान से फाइट करना है, अस्कार करो, जिक्र करो, जिक्र करो, इसमें आपको रूहानी ताकत मिलेगी, जिस्मानी ताकत भी मिलेगी जिक्र में। हां अब ये तो अजीब बात होगी, अजीब नहीं है, मैं आपको दलील दिए देता हूं, जिक्र और अस्कार में जिस्मानी ताकत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी के पास आकर रिक्वेस्ट की, अब्बू जान मुझे पता चला कि आपके पास बहुत सारे नौकर चाकर गुलाम लौंडियां बांदियां आई हुई हैं,
जन के बाद एक मुझे भी दे दीजिए ना, चक्की पीसते पीसते हाथ में छाले आ गए अब्बूजान, घर के काम काज करते करते पानी ढोते ढोते उठाते उठाते परेशानी है। आज शादी के बाद लड़कियां ससुराल में जाके शौहर के घर जाके मैं तुम्हारे घर की नौकरानी की, मैं काम करने वाली की, मैं तुम्हारे घर में आके किचन में काम करने के वास्ते आई सो। हां, याद रखिए मेरी बहने, आप फातिमा बिनते मोहम्मद से बढ़ के नहीं है, आप अस्मा बिनते अबी बकर से बढ़ के नहीं है। हां, और आपके बाप भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के नहीं है, अबू बकर से बढ़ के नहीं। मालूम है मैं कौन से घर की बेटी है? हां, मेरे बाप, मैंने अपने मायके में कभी किचन में जाके चाय नहीं बनाई, और तुम कहते मुझे ये करना वो करना। याद रखो मेरे भाइयों, आ मेरी मां और बहनें, आप गौर से सुने कि आपके बाप आपके भाई ये नबी से अबू बकर से बढ़ के नहीं है, लेकिन अबू बकर की बेटी भी अस्मा, अल्लाह अकबर, वो भी बाग जाया करती थी, बाग जाके खजूर वगैरह ढो के लाया करती थी, शौहर का ताउन और हेल्प किया करती थी, कभी उन्होंने ये नहीं कहा, चक्की पीसा करती थी सब कुछ, अल्लाह अकबर। बहरहाल ये अलग मौजू है। फिर उसके बाद जब फातिमा ने ये दरखास्त की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ देखो, ये इंसाफ, ये अदल, और इसी की वजह से सारी दुनिया कायम है। सारी तालीमात इस्लामी का खुलासा अगर एक लफ्ज में बयान करना चाहें तो वो है अदल, अदल, इंसाफ, अदल, लफ्ज अदल। सारी तालीमात इस्लामी को अगर एक लफ्ज में बयान करो, हर चीज में अदल है, अदल है, यानी अकीदे में अदल हो, आमाल में अदल हो, नमाज में अदल करो, बीवी बच्चों में अदल करो, दोस्त अहबाब में अदल करो, बोलो तो अदल के साथ बोलो, रिश्तेदारों अकारिब में अदल किया करो, हर चीज में अपने जिस्म के साथ अदल करो, अदल, अदल, इस्लामी तालीमात का खुलासा है ये। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कैसे अदल किए, अपने चहीते, अपने प्यारे, अपने करीबी, अपने अजीज, और अगर वो गलती भी करें तो भी उस पर पीठ थपथपाना, और गलती पे जो सीना जोरी करना और उसको बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, याद रखिए ये इंसाफ नहीं है, ये नबी का तरीका नहीं है, बल्कि गलत को गलत ही बोलना है और सही का ही साथ देना है। नबी ने कहा फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, फातिमा तो बुदातुम मिन्नी, फातिमा नाराज तो मैं नाराज। हजरत अली एक मरतबा दूसरी शादी करना चाहे और वो भी अबू जहल की बेटी से, नबी ने कहा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है कि अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक साथ तुम्हारी जौजियत में रहे, जायज है तुम्हारे लिए, तुम शादी कर लो, तुम्हारे लिए जायज है शादी कर लो, लेकिन मेरे लगते जिगर को पहले छोड़ दो। देखो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा से इतनी मोहब्बत, इतने लगाव, लेकिन जब इंसाफ की बात आ जाए, आम मुसलमानों की बात आ जाए, आम लोगों की बात आ जाए, आवाम की बात आ जाए, इज्तिमायत और जमात और जमीयत की बात आ जाए, मेरा बेटा हो, बाप हो, भाई हो, कुछ भी हो, गलत कर रहा, गलत ही है, उसका मतलब ये नहीं इधर भी रहो उधर भी रहो, सबको साथ लेकर चलने का ये मतलब हरगिज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नबी ने उनको समझाया, बेटी तेरे से ज्यादा हकदार मेरे ये गरीब मुसलमान भाई हैं। इंसाफ देखो नबी का, नबी का इंसाफ है ये। कहा के देखो बेटी मोहब्बत है, लेकिन ये माल वाले गनीमत है, ये बैतुल माल का है, और अल्लाह ने मुझे निगरान बनाया, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा, मैं अपने रिश्तेदार को अपने चाहते को नहीं दे सकता, तेरे से ज्यादा मुस्ताहिक मेरे ये गरीब मुसलमान भाई है, मैं उनको दूंगा पहले। बेटी तू एक काम कर ले, क्या कर ले, सोते वक्त, ये असल इस्तदलाल, सोते वक्त 33 मरतबा, 30 पर 3 मरतबा सुभान अल्लाह, 30 पर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 30 पर 4 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ के सो जा। फातिमा ने किस चीज की शिकायत की थी, रूहानी कमजोरी या जिस्मानी कमजोरी? जिस्मानी नहीं। और नबी ने उनको अस्कार बताया कि नहीं बताया? तो अस्कार से जिस्मानी ताकत भी मिलती कि नहीं मिलती है?
आप इस पे अमल करके देखो, आप इसमें अमल करके देखो, आप थके हैं, बहुत थकान से चूर है, बहुत परेशान हाल है, बिस्तर पे जाके 33 बार 34 बार पढ़ के सो जाओ, सुबह सवेरा आप ताजा दम होके उठोगे, अल्लाह ताकत और कुव्वत देगा। इसीलिए जब ये जिक्र जब सिखाया तो फातिमा ने जाकर अपने शौहर अली को सिखाया, अली ने कहा कि मैं इस जिक्र को जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा। कहा कि जिस दिन घमासान की लड़ाई जंग चल रही थी, जंग की रात आप शायद भूल गए थे, कहा कि नहीं, जंग की रात में भी इस जिक्र को मैं भूला नहीं। अल्लाह अकबर। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया कहते हैं, मैं सुबह में फजर के बाद जो सुबह के अस्कार करता हूं वो मेरे सुबह का नाश्ता है। नाश्ता है क्या मतलब? जिस्मानी ताकत मिल रही है नहीं मिल रही है, नाश्ता है। अगर मैं किसी दिन नहीं करता तो मुझे सुस्ती काहिली होती है। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों, जो लोग फजर के पाबंद है, सुबह शाम के अस्कार के पाबंद है, आप देखो एक दिन अगर आप फजर ना पढ़ें, अजीब सा लगता है, अजीब जिस्म पे जो थकान, अजीब तरह की ये कूफ्त और कैफियत होती है। आप याद रखें मेरे भाइयों, मैं आप कितनी चीजें बताता हूं। एक साहब जिनके पीठ में दर्द था, बहुत इलाज किए, बहुत इलाज किए, कुछ नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करें, फजर पढ़ते हो? हाँ। कि नहीं शेख, फजर में उठ नहीं पाता हूं। कोशिश करो, उठो, उठो, उठ के फजर पढ़ो, सुबह के अस्कार करो। उसने क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह, फजर की पाबंदी की, अस्कार की, चंद ही दिनों के बाद जो लाखों इलाज करके कमर के का दर्द सही नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सही हो गया। याद रखो मेरे भाइयों, जिस्मानी ताकत भी है। अल्लाह के नमाज से वस्तईनो बिस्सब्र वस्सलात, नमाज में कामयाबी है, मदद हासिल करो, नमाज के लिए आओ, यहां कामयाबी और कामरानी है, यहां आ जाया करो। और फजर पड़े बगैर सो जाते, शैतान के पिशाब करता है। जाहिर सी बात है, शैतान के पिशाब जाने से हमें और आपके जिस्मानी ताकत मिलेगी कि बीमारियां आएगी, आप बताइए। याद रखिए मेरे भाइयों, ये अस्कार से बड़ा फायदा होता है। अस्कार की वजह से जब आप अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह आपको याद करेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अल्लाह ने फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह तकलीफों को, परेशानियों को दूर फरमाएगा। एक बेहतरीन पते का इस्तेदलाल मैं आपको बता रहा हूं। आज के हालात और माहौल में, चाहे हमारे अपने वतन अजीज के हालात और माहौल की बात हो, अल्लाह हिफाजत फरमाए सारे मुस्लिम उम्मत की। आज जिस तरह के हालात और माहौल हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इससे कठिन मरहला आया। आप मक्के के जब आखिरी अय्याम में थे, बड़ी तकलीफ, परेशानी, जुल्म, सितम, हर तरह की परेशानियां थी। ऐसे वक्त में नबी के दिल में कभी तकलीफ होती थी, क्या मैं इनके हमदर्द हूं और ये मुझे तकलीफ दे रहा है, परेशान कर रहे हैं। आपको कूफ्त होती थी, दिल में घुटन होती थी, तकलीफ होती थी। अल्लाह ने इन सारी बातों को बयान करने के बाद सूरह हिजर की आखिरी 3 आयतों में नबी को जो पैगाम दिया, आज हमारे और आपके सारे उम्मत के, चाहे इनफिरादी मसाइल हो, इज्तिमाई मसाइल हो, चाहे बाहिसियत उम्मत कलेक्टिवली सब के गैदरिंग के साथ हो या इंडिविजुअल हो, सबके लिए सोल्यूशन है। सूरह हिजर आयत नंबर 97, 99 और 98 और 99, आखिरी 3 आयतों में अल्लाह ने फरमाया नबी से खिताब करके, जब नबी बहुत परेशान हुए, कहा वलकद नअलमु अन्नका यदीकु सदरुक बिमा यकूलून। आई नबी, हम जानते हैं कि आपके दिल में घुटन, तकलीफ, कूफ्त हो रही है। ये कुफार और मुशरिकीन जो आपको कह रहे हैं, इनके लान तान की वजह से, अनाप शनाप बकवास की वजह से, आप पर अलकाब लगाने की वजह से, आए दिन आपको कभी शायर, कभी शायर, कभी जादूगर, कभी मजनून, कभी पागल, कभी ये वो, आपको तकलीफ हो रही है। आपके रास्ते में कांटा बिछा रहे हैं, आपको मारने की साजिश कर रहे हैं, देश निकालने की बात कर रहे हैं, आप उनके हमदर्द हैं और आपके साथ आपको तकलीफ हो रही है। का यदि कुसदरु कभी माया को लोन, करना क्या है, करना क्या है? नबी को फरमाया आप भी वही काम करो, यानी अल्लाह का जिक्र। फरमाया फसब्बिह बिहम्द रब्बिक, अल्लाह ताला के लिए तस्बीह तहमीद बयान किया करो, जिक्र अस्कार करो,
कसरत से जिक्र अस्कार करो, वो कुम मिनत साजिदीन, कसरत से सजदा यानी नफिल पढ़ा करो, फराइज के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम करो, फराइज की पाबंदी करो। अगर ये करोगे वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और मौत आने तक अल्लाह की इबादत में लग जाओ, जुड़ जाओ, मुस्मित मुनहमिक हो जाओ, अल्लाह ताला ये सारी परेशानियों के लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और नबी ने ये किया, अल्लाह ने सारी परेशानियों को दूर करके मदीने में जाकर बेहतरीन हुकूमत और बेहतरीन माहौल दिया है। हाजरीन, ये बेहतरीन पैगाम है हमारे और आपके लिए कि हम नबी के पास, नबी के जिंदगी से इबरत हासिल करके हम बेहतरीन तरीके से अस्कार करें। इसमें दिलों को सुकून मयसर होता है। आखिरी दो बात, दिलों को सुकून पाने के लिए हमें और आपको चाहिए एक और चीज, वो है हिर्स, लालच छोड़े। लालच बुरी बला है, हिर्स। और मैंने शुरू में बता दिया ईमान के जिम्न में क्या है, और उसको इतना मिला, उसको इतना मिला, वो आगे बढ़ गया, मैं, अरे भाई तू भी मेहनत कर, मेहनत के बाद, कोशिश के बाद जो मिला उस पर राजी हो जा, ये तकदीर है, ये तकदीर है, राजी हो जा। हां, ये हिर्स हवस की वजह से इंसान परेशान रहता है, लालच की वजह से परेशान रहता है, जिंदगी में सुकून नहीं, मैसर नहीं, चैन नहीं, कुछ नहीं। दौलत कमाने के लिए घर से बाहर निकला, दौलत कमा के घर निकला तो औलाद हाथ से निकल गई, अब बताओ क्या फायदा है। और ऐसा भी मत बनो कि इतना भी आगे, इतना भी ऊंचाई पे मत जाओ कि वहां से देखकर तुम लोगों को छोटे समझने लगो, मत सोचो। हां, बल्कि आपको चाहिए कि आप ये हिर्स, लालच, इन चीजों को छोड़े। हिर्स की वजह से इंसान परेशान और हैरान रहता है, सुकून नहीं मिलता उसको। मैं आपके एक प्रैक्टिकली वाकया सुना देता हूं। सीरिया का एक आदमी जो बाद में इस्लाम कबूल किया, बाद में उसका नाम हुआ मोहम्मद असद, इस्लाम कबूल करने का वाकया उन्होंने बयान किया है, और यह वाकया सऊदी अरब से मैगजीन छपता है या कुवैत से अल मुश्तमा और सऊदी अरब से भी एक छपता है, वहां पर उसमें इसको जिक्र किया गया बाकायदा। क्या है वाकया, वो कह रहा है मैं जब गैर मुस्लिम था तो यूरोप के मुल्क का सफर कर रहा था, ट्रेन में, बेहतरीन बुलेट ट्रेन उसमें सफर कर रहा था, और यूरोप के वो बड़े बड़े मालदारान, वहदेदारान, उलूम फुनून में आगे बढ़े हुए एक से एक है। मैं ट्रेन में बैठ के सबका चेहरा पढ़ रहा था, चेहरा पढ़ना भी कमाल है। हां, चेहरा कहते हैं ना इंग्लिश में, आपको समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ता वरना मुझे शौक नहीं है। हां, द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, है ना, चेहरा आदमी के दिमाग का इंडेक्स होता है कि चेहरे से पता चलता है आपके दिमाग में क्या क्या हो रहा है ना। याद रखिए मेरे भाइयों, शायर कहता है खुशी का, गमी का, उदासी का बाब होता है, हर एक चेहरा खुली किताब होता है। हां, चेहरा भी पढ़ने कमाल है, है ना। तो कहा कि मैंने हर एक का चेहरा पढ़ना शुरू किया, यूरोप के वो बड़े बड़े मां साहेब सरवत, साहेब सल्तनत, हुकूमत, सब कुछ उनके पास, लेकिन किसी के चेहरे पे सुकून नहीं है, सब परेशान, सब हैरान, कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से डिस्कशन नहीं, सब अपने अपने ख्याल में, कोई परेशान, कोई मोबाइल में, इसमें उसमें, लेकिन किसी के चेहरे पे सुकून नहीं है, सब हवास भागता है। मैं सोचा क्यों, यूरोप के इन लोगों के पास दुनिया है, दौलत है, ओहदा है, असबाब है, अफराद है, इख्तदार है, इख्तियार है, इल्म है, सुनून है, सब कुछ है, फिर क्यों परेशान है। और उन्हीं दिनों में मैं कुरान का मुताला भी कर रहा था, अल्लाह ताला दिखाता है, कुरान का मुताला कर रहा था, मैं घर लौटा उसी ख्याल में था, उसी धुन में था, क्या सबब, क्या सबब, क्यों सुकून नहीं है यूरोप के इन बड़े बड़े लोगों में। मैं घर आया तो मेरे स्टडी टेबल पे कुरान खुला था, कुरान खुला हुआ था, और कुरान खुलने के बाद जिस सूरत पे मेरी निगाह पड़ी वो है अल्हाकुम तकाफुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। मैंने कहा मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया,
क्यों यूरोप के ये साहिब इख्तदार इख्तियार सरवत और सल्तनत वाले बड़े बड़े उलूम फनून के माहिरीन और बड़े बड़े ताकत उनके पास हैं, बड़े उनके पास दौलत है, उसके बावजूद जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? मुझे उसका जवाब मिल गया, जवाब ढूंढ रहा था। कुरान किस जुमले ने कहा अल्हाकुम तकासुर, तुमको परेशान करके रख दिया है, सुकून गारत कर दिया है, किस चीज ने? तकासुर ने। वो तकासुर क्या है? कसरत, हर चीज की कसरत। बंगला और दो चाहिए, कार और चाहिए और चाहिए और चाहिए और 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 के धुन ने तुम्हें परेशान करके रख दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र पहुंचने तक नबी ने फरमाया ये मिट्टी का बना हुआ इंसान, इसके सामने अगर सोने के दो बड़े बड़ी वादियां, सोने की दो बड़ी बड़ी वादियां लाके खड़ा कर दो, लबतगा सालिसा, तो तीसरे वादी का तमन्ना करेगा कि मुझे तीसरी वादी सोने की मिल जाए। मिट्टी के बना हुआ इंसान के अरमानों को दफन मिट्टी ही कर सकती है। जब तक उसके मुंह में मिट्टी ना पड़े उस वक्त तक उसकी ख्वाहिशात अरमाने मिटती नहीं है। हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। अगर ऐसे हो तो याद रखे मेरे भाइयों, दिलों में सुकून और इत्मीनान नहीं मिलेगा। याद रखे मेरे भाइयों, ये परेशान आप रहेंगे, परेशान आप रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि ये हिर्स हवस इन चीजों को खत्म करें। आखिर एक चीज यह है, हमारी जिंदगी का लाइफ स्टाइल हम चेंज करें। आज जो जिंदगी में सुकून नहीं है, हमारे लाइफ स्टाइल का प्रॉब्लम है। क्या करते हम लोग? ये जो मोबाइल है बड़ा फितना, सुकून को गारत करने वाला एक बहुत जबरदस्त डिवाइस है ये। आप सोए हैं, बेहतरीन नींद आई, रिंग हुआ, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, हाँ क्या हो गया? किसके बाद? क्या कि एक मामूली बात थी, फोन कर रहे हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, इसका सही इस्तेमाल करना सीखो। हमने बाज घरों में देखा है, बहुत अच्छा है ये। क्या हुआ? वो कहते हैं कि रात 10 बजते ही सारे घर के मोबाइल, बेटे के पास हो, बेटी के पास हो, बीवी के पास हो, इवन मेरे पास हो, सब लाके स्विच ऑफ करके या साइलेंट मोड में, फ्लाइट मोड के लाके एक लॉकर में बंद बंद। अरे भाई अलार्म के लिए दूसरा डिवाइस रखो। हाँ ये ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, हाय तो थोड़ी थोड़ी दिन में एक रिंग हुआ, क्या हुआ कि ये हुआ। नमाज पढ़ते ही सुकून नहीं, नमाज पढ़ 2 सेकंड चेक करना है व्हाट्सएप, कितने बार ये करते हैं। अल्लाह अकबर, माजिरत के साथ मुझे कहने दीजिए, मस्जिद में आ रहे हैं लड़कियां लड़के सब जो है बाहर, देखो इबादत करने आकर, जागने की रात नहीं है ये, जागकर इबादत की रात है। सिर्फ जाग के गुजारना नहीं है, मोबाइल से तमाशा कर रहे हैं। और आज मीडिया का दौर है, मीडिया की वजह से भी सुकून गारत हो रहा है। हा? मैं तो न्यूज नहीं सुनता हूं क्योंकि सारे झूठी न्यूज है, या तो आपको डराएगा डराएगा परेशान करेगा। हा? और गलत चीजों को प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, इन सब चीजों के पीछे मत पड़ो, सही लाइफ स्टाइल चेंज करो। रातों में देर तक जागते हैं और सुबह में फजर नहीं, देर से जाग रहे हैं और रातों में नींद नहीं, दिन में नींद कर रहे हैं, रात की ड्यूटियां हैं, दिन में सो रहे हैं। अल्लाह ने रात को बनाया नींद के लिए, तुम लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हो, कहां से सुकून मिले? सुकून कहां से मिले बताओ? आज सुकून मिलने के लिए और बहुत अहम चीज है, दो रिश्ता बहुत अहम है। जिंदगी में सुकून के लिए दो रिश्ते बहुत अहम है, एक औलाद और वालिदैन का रिश्ता और दूसरा है मियां और बीवी का रिश्ता। आज कितने लोग परेशान हैं, मियां बीवी से, बीवी मियां से परेशान हैं। कितने मां बाप परेशान हैं औलाद से, औलाद परेशान है मां बाप से। औलाद के लिए मां बाप कभी सोचते हैं कि हमने जन्म देके जुर्म किया है, काश के इस बच्चे को हम जन्म ना दिए होते। अल्लाह अकबर। याद रखिए मेरे भाइयों, औलाद की वजह से सुकून गारत हो रही है। हमारी लाइफ स्टाइल हमने चेंज कर दिया है। आप औलाद की सही तरबियत किए हो, आप गाली गलौज करते हो और सोचते हो कि मेरा बेटा गाली नहीं करेगा। आप घर में बच्चों के सामने स्मोकिंग करते हो और आप सोचते हो कि मेरा बेटा स्मोकिंग के आदि नहीं बनना। आप फिल्में देखते हो घर में बैठ के और आपका बेटा ना देखें। और याद रखिए, घर में आप मूवी देख रहे हैं, गलत सिनारियोस देख रहे हो, अजीब तरह के मनाजिर हो रहे हैं,
हैं, नीम बरहना ड्रेस और लिबास में है, आपकी जवान बेटी आपके बगल में है, बहू भी है, बीवी भी है, जवान लड़का भी है, क्या है बालो बालो माहौल हो गया है। याद रखिए मेरे भाइयों, शर्म सब खत्म हो चुकी है, इसीलिए जिंदगी में सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। एक दूसरे के अकदार इज्जत बड़े छोटों के पास लिहाज नहीं, क्यों? अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया है। हम जितने ज्यादा लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, जिंदगी में परेशानी आएगी, जिंदगी में सुकून मिलने वाली नहीं है। इसीलिए नबी ने फरमाया, बेहतरीन बीवी मिले, औलाद ये बेहतरीन मिले, नेक मिले, जिंदगी में सुकून पाने का एक जरिया है। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आपको चाहिए कि हम लाइफ स्टाइल चेंज करें। और एक चीज, इंतकाम का जज्बा इंसान को परेशान करके रखता है। हाँ, उसने मुझे ऐसा किया ना, हाँ देखता हूं, इंतकाम, वो ऐसा क्या, वो ऐसा बोला, ये किया, वो किया, आप उस सोच के दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए दिल में एक कब्रिस्तान रखो और उस कब्रिस्तान में ऐसी चीजों को दफन करना है, दफन करना, माफ करना, दरगुजर करना सीखो, वरना क्या हो जाएगा, हमारा दिल खुद ब्लास्ट हो जाएगा, हम खुद परेशान हो जाएंगे, सबको दिमाग में ले 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 लेके हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए इग्नोर करना सीखो, भुलाना सीखो, माफी तलाफी सीखो और इंतकाम का जज्बा ना रखें। इसमें क्या होता है, यही जो है क्या होता है, इंतकाम। उससे मैं आगे बढ़ के दिखाता हूं, उससे करके दिखाता हूं, उसके लिए जिंदगी के सुकून गारत हो जाता है। सुकून से जियो भाई, सुकून इत्मीनान से रहो। और एक बात याद रखिए, घर में ज्यादा रहा करो, फ्री वक्त घर में रहो, बाहर गए दोस्तों से मिले, वहां ये किए वो किए, एक बात से बात निकली, बात से बतंगड़ निकली, झगड़ा और मारा मारी, ये सब हो गया, कहां से कहां पहुंच गया, टेंशन डिप्रेशन, काहे को जरूरत क्या, फितने का दौर है। नबी ने फरमाया फितने का दौर है, इस दौर में इंसान जितना घर में बैठा रहेगा, काके दौड़ने वाले से चलने वाला बेहतर है, चलने वाले से घर में बैठने वाला बेहतर है। इसलिए जितना हो सके आप घर में बैठा रहो और अपने आमाल का जायजा लिया करो। खामा खामे बाहर घूमने मत जाओ, खामा खामे टाइम पास करने, वहां जो गपशप करने, गपशप हांकने, रोड में, सड़कों में, किनारों में, पार्कों में, चाय के होटलों में मत जाया करो। सुकून से बीवी बच्चों के साथ घर में रहा करो, इसी में सुकून है और बीवी बच्चों की तरबियत भी इसमें हो जाती है। घर में बैठो, फ्री वक्त है ना, आओ बच्चों के साथ खेलो, एक वाकया पढ़ के सुनाओ, उनकी तरबियत किया करो, उनके साथ कुछ खेल खेला करो, यह अच्छी बात है। बच्चों के साथ चलो घूमने चले जाओ, यह अच्छी बात होती है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये लाइफ स्टाइल में बहुत बातें आ सकती है। सबसे अहम चीज है मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, इसको कंट्रोल करो, वरना क्या हो रहा मालूम है, आपके सारे दरवाजे बंद है घर के, और घर के अंदर आपकी चोरी हो रही है, घर के अंदर डाका डाला जा रहा है। क्या मतलब है, बैंक वाले, बैंक का फ्रॉड होता है, वो नहीं है, वो तो है ही, उसमें भी होता है ना, ओटीपी दो, फ्रॉड हो रहा, ये हो रहा, बैंक बैलेंस चोरी हो रही है। असल जो आपका सरमाया है, आपकी बेटी, आपका बेटा है ना, आपकी बेटी बेटे जवान, उनके हाथ पे आपने मोबाइल दे दिया, घर का दरवाजा बंद है, अकेले में है बेटी, आपकी बेटी अकेले में है, हमारी बहन बेटी अकेले में है तो वह जिस्म पे अकेला, लेकिन पता नहीं किसके साथ चैटिंग कर रही है, किसके साथ मीटिंग कर रही है, किसके साथ बात हो रही है, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, क्या क्या हो रहा है, किसके साथ ताल्लुक जोड़ के वो आपके घर में डाका डाल रहा है, आपके घर में चोरी कर रहा है, आपकी इज्जत का मिलियामेट कर रहा है, आपको पता भी नहीं है। चेंज करो, जितनी जरूरत है उतनी जरूरत के हद तक इस्तेमाल किया करो। और ये भी आपको बता देता हूं, आप आज जरूरत है बच्चों को पढ़ाई के लिए, दूसरी चीजों के लिए देना पड़ता है, उसके लिए आप ट्रैक करो, उसको ट्रैक करो। कैसे ट्रैक करो, जो आपके आईडी है यूट्यूब के लिए, आपके जो जीमेल है उसी को उसमें दिया करो, वो क्या क्या देख रहा आपको पता चलेगा, क्या क्या देख रहा पता चलेगा, ट्रैक करो। ये भी आप आज सिखाना पड़ रहा है। हाँ, अब देखो परेशान हो रहे लोग, हमारे मां बाप को बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ रहा हूं कि सही कर रहा हूं मैं, हाँ ये लोग परेशान हो रहे हैं कि शेख को भी मालूम है क्या। हाँ, याद रखिए क्या क्या देख रहे हैं सब, और कल कयामत के मैदान में उंगलियां गवाही देगी, कहा तुमने क्लिक किया, क्या क्या देखा, आंखें गवाही देगी। आज दुनिया वालों को छुपा सकते हो, इसलिए मैं कहता हूं कि आज इस डिवाइस को देख लो, मैं कितने पानी में हूं, मेरे यूट्यूब, मेरे गैलरी और मेरे जो है आप चेक करो, हिस्ट्री पता चल जाएगा हजरत कितने पानी में है। हाँ, पता चल जाएगा। ये आज का आपका पोल खोल के रख देगा, जब एक इंसान का बनाया हुआ डिवाइस आपकी सारी हिस्ट्री बता सकता है, क्या अल्लाह नहीं बताएगा कयामत के मैदान में। हाँ, इसीलिए नबी ने फरमाया, कल बहुत सारे लोग
गौर से सुने साथी इसको, बहुत सारे लोग नेकियों के पहाड़ लेकर आएंगे, नेकियां बहुत लेकर आएंगे तिहामा पहाड़ के बराबर, मगर तन्हाइयों में ऐसे ऐसे गुनाह किए, तन्हाई में हरामकारी का इत्तेकाब किए, तन्हाइयों के गुनाह इनके तिहामा पहाड़ बराबर के गुनाहों को भुसम करके रख देगा, सब खत्म और जहन्नम में जाएगा। और तन्हाई में क्या गुनाह करते इसको पूछो, तन्हाई में क्या गुनाह करते इसको पूछो। हाँ, क्लिक किए, क्या हुआ, उससे कुछ आया, एक लिंक आया, फिर उसके बाद यूट्यूब में नीचे सर्च करने गए, कुछ और आया, आप जो फेसबुक देखते गए कुछ और आ गया, हाँ इंस्टाग्राम देखते देखते कुछ और आ गया, ए रील के साथ ओ रील, क्या क्या हो जा रहा है। इसीलिए जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो, बाकी रख दो, कंट्रोल करो इसको। हाँ, क्या क्या कर रहे हैं, वरना कंट्रोल नहीं करोगे तो सब याद रखिए, आज हमारे लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, यही औलाद कल के लिए आपके सुकून को गारत करने वाली बनेगी। इसीलिए हमें चाहिए इन चीजों का इस्तेमाल सही करें। मां बाप भी ऐसे फितने में मुब्तला, घर में बाप मोबाइल लेके यहां बैठा है, मां मोबाइल लेके वहां बैठी है, हाँ वो बेटा सब वो है, गोद में बच्चा सोचता मैं कौन सी दुनिया से आया हूं, कौन सी दुनिया में आया हूं मैं, हाँ मैं बाप मेरा नहीं, जिस्म तो यहां है लेकिन पता नहीं किसके साथ, हाँ यहां मां मेरी नहीं, भाई भी नहीं, बेटा नहीं, सब अलग अलग बैठे हुए हैं। ये देखो कितनी दूरियां हैं। वो जमाना था महीने में एक खत आता, अल्लाह अकबर, क्या इंतजार, खत आएगा खत आएगा, हम लोग हॉस्टल में रहे हैं ना, खत आएगा आएगा, देखते आए हो खत आया घर से, पूरे घर वाले एक पढ़ता, सब सुनते, अच्छा बोले, अच्छा बोले, हाँ खत का जवाब सब मिलके लिखते, क्या अपनाइयत थी मेरे भाइयों। आज एक सेकंड की बात है, बरसों अपने भाई से बातचीत नहीं है, अपने रिश्तेदार और अकारीब से बात करने की, ताल्लुक कायम करने की फुर्सत नहीं है। बताओ, जो नजदीक है इसने हमें उसको दूर कर दिया है, और जो दूर है उसको हम दूर, अमेरिका में चैटिंग चल रही है और व्हाट्सएप उसके साथ बात हो रही है, बाजू बाप कह रहा बेटा ये कर, बेटा ये कर, हुँ, हुँ, हुँ। क्या बोले अब्बू, क्या तुम ना, क्या अब जर मालूम, तुम ना मालूम नहीं, तुम ना बेटो अम्मी, ना क्या मालूम है, क्या मालूम है, सब इनको मालूम है। याद रखिए मेरे भाइयों, इन सब चीजों से परहेज और गुरेज करें, यह बहुत खतरनाक चीज है। आज जिंदगी में सुकून इसी वजह से गलत और बर्बाद हो रही है। बहरहाल बातें बहुत दूर तक चली गई, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबरक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबरक ताला हमारी जिंदगी में सुकून पाने के लिए जो चंद बातें थी टूटी फूटी मैंने आपके सामने रखी, और भी जो बातें उन पर अमल करने की सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की जिंदगी में सुकून ला, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सल्लल्लाहु नबीना मुहम्मद।